हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल में मैं दिल्ली सुथार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज है ना सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी आज हम लोग जो है ना आईपीओ का एनालाइज करने वाले हैं, तो है ना अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आते हो तो अगर देखते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलने वाली, तो हम लोग है ना सबसे पहले अगर है ना अपना प्ले लिस्ट वाइज पे अगर चले जाओगे ना तो प्ले लिस्ट में देखो ये ना इस तरह से सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पे आईपीओ एनालिसिस करके भी है, तब चाहिए तो वहां से भी जाकर आपको जो भी आईपीओ के रिगार्डिंग आपको शेयर सीखने हैं या फिर डेली मोमेंटम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिलेंगे ना। अभी चलो भी हम लोग फटाफट बिना टाइम को ना ज्यादा बर्बाद करते हुए हम लोग ना ये ना अभी आईपीओ के ऊपर हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। वो आईपीओ का नाम है जुपिटर लाइफलाइन। आप है ना जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की जैसे कुछ कुछ है ना फोटोज देख सकते हो, काफी अच्छे से मतलब है ना फोटोज दिख रहे हैं, एंड है ना होटल्स मतलब सॉरी हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे से मतलब लग रहे हैं ना। अभी हम लोग है ना देख लेते हैं कि इस आईपीओ में जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का आईपीओ कैसा आईपीओ है, अच्छा है कि नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये मैं एक दिन मतलब आज जा चुका है, उसके बाद बना रहा हूँ ये वीडियो। जैसे कि देखो 6 सितंबर से चालू हो गया था, लेकिन हम लोग अगर मैं पहले वीडियो बना देता तो ना ये गलत है कि आप कभी भी फर्स्ट डे ना कभी भी ना आप आईपीओ मत अप्लाई करना, कोई भी आईपीओ आ जाए। ओके, इसके लिए मैं वीडियो भी है ना आफ्टर फर्स्ट डे ही बना रहा हूँ आज 7 तारीख के डेट पे ना। अभी हम लोग देख लेते हैं जुपिटर हॉस्पिटल क्या है। ये 2007 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, एंड इसके साथ में ये मल्टी स्पेशलिटी ना टेरिटरी हॉस्पिटल है, एंड इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी यहाँ पर एंड है ना वेस्टर्न रीजन्स में भी वहाँ पर भी इंडिया में है। अभी जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल ऑपरेट अगर देखा जाए तो ये किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पे है, जहाँ पे अभी इसकी और क्या क्या चीज़ें हैं। जुपिटर हॉस्पिटल जैसे है ना एक ये ब्रांड बन चुका है, जो कि देखा जाए तो है ना एक थाने में है, पुणे में है, इंदौर में है, ऐसे करके ना अगर देखा जाए तो टोटल उनकी कैपेसिटी अब तक पूरे इंडिया में वरना 1194 बेड्स। ओके, और कम से कम उनके पास 1306 डॉक्टर्स, इतने सारे मतलब है ना उनके साथ है, प्लस उनके साथ है ना कुछ ना स्पेशलिस्ट फिजिशियन सर्जन ये सब करके ये पूरे 31 मार्च तक का पूरा डेटा यहाँ पर उनके पास पड़ा हुआ है। एंड अगर है ना देखा जाए तो अभी हॉस्पिटल इन डोंबिवली महाराष्ट्र के अंदर भी अगर देखा जाए तो उनके पास 500 बेड तो सिर्फ खाली उनके महाराष्ट्र में है। ये अप्रैल 2023 तक का उन्होंने सारा डेटा अभी तक उन्होंने अभी सब चालू है और बनाने का वहाँ पर भी काम चालू कर दिए हैं ना। भी देखा जाए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसकी अगर आईपीओ की अगर डेट से अगर हम लोग अगर देखा जाए तो भी आईपीओ का है ना डेट है ना जो है वो 6 सितंबर से लेकर 8 तारीख तक है। ओके, तो है ना ये ना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये डेट है, प्लस है ना इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ₹10 का फेस वैल्यू है। शेयर का प्राइस 695 से 725। अगर आपके को अगर है ना शेयर अगर है ना आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई 735 पे अप्लाई करना, 695 पे मत करना, बिकॉज जिसका ज्यादा रहता है उसका चांसेस ज्यादा होता है। लॉट साइज कितनी है, 20 की लॉट साइज है। टोटल इशू कंपनी ने इतना इशू कर रही है भाई, 1,18,00,000 शेयर है ना इशू कर रही है। ओके, इसके अंदर फ्रेश इशू जैसे कि ना देखो कितना वो कम से कम है ना 870 करोड़ पैसा जमा करना चाहती है, उसके अंदर 540 करोड़ के आसपास वो कौन कर रहा है, ये फ्रेश नया तैयार कर रही है। और है ना ये ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जैसे अगर देखा जाए ओके, तो इसके अंदर 327 करोड़ ऑलरेडी जो ओल्ड प्रमोटर है वो निकलेंगे और है ना वो अपने शेयर्स को बेच के आगे चलेंगे, तो वो हो गया ऑफर फॉर सेल। तो देखा जाए तो ना इससे ये ज्यादा है फ्रेश इशू, यानी कि फ्रेश इशू ज्यादा मांगा गया है, तो फिर है ना इस हिसाब से कंपनी को देखा जाए तो अच्छा है कि चलो यार कोई प्रमोटर निकल नहीं रहे, थोड़े मोड़े प्रमोटर्स निकल रहे, बाकी तो चाहिए तो सारे प्रमोटर्स वहां पर जो भी है कंपनी के बैठे हुए। बाकी अगर है ना आप है ना आईपीओ की है ना ओपन डेट जैसे मैंने ये 6 तारीख से 8 तारीख तक खत्म होगा, इसका जो अलॉटमेंट है वो 13 तारीख को आपको शेयर्स के अलॉटमेंट हो जाएंगे, और जिनको है ना अलॉटमेंट नहीं मिला यानी कि जिसको शेयर नहीं मिला उनका पैसा 14 तारीख को उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, और जिसको शेयर मिला है उसको 15 तारीख को उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और उसके बाद ये शेयर जो है ना अब एनएससी और बीएससी पे अगर ये लॉन्च होते हैं तो फिर ये लॉन्च है ना 18 तारीख को होगा। ये देखो लिस्टिंग ऑलरेडी एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है। ओके, यहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें आपके साथ कर दी है, और आप है ना 5 बजे के पहले ही इस आईपीओ को अप्लाई कर देना 8 तारीख तो को, और ये एवरीडे बेसिस पे होता है ना। अभी इसके बाद है ना अभी यहाँ तक तो ठीक है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ में अभी लोग ने क्या किया है क्या नहीं वो चीजों को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर है ना
एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप है ना अभी हम लोग जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं रिटेल्स में, आप ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। एक लॉट में 20 शेयर है, 13 लॉट में 260 शेयर है। अगर एक लॉट की वैल्यू 14,700 होगी एंड 20 लॉट लोगे तो 1,91,000 होगी। फिर जो भी HNI है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम उनका ना 14 लॉट से लेकर 68 लॉट तक है। और जो है ना बी एच एन आई जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो सारे लोगों को, उनको बड़े बड़े जो उनके कस्टमर्स हैं जैसे कि ना कुछ कंपनियां होती हैं, तो फिर ये सब उन लोगों को ना उनको अच्छे बड़े बड़े लॉट्स मिलते हैं और हम लोगों एक ना लिमिट्स है। ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर बताई गई है। सॉरी गाइस थोड़े गले में प्रॉब्लम्स है। एंड देन अभी इसके साथ में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे बड़ी बात अगर अभी हम लोग है ना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर है ना कंपनी का अभी देखो अभी थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट्स में ना कंपनी के अभी असेट्स है ना जो ग्रो हो रहे हैं कि लेस हो रहे हैं, ये हो रहा है 31 मार्च से लेकर हो गया मार्च 2023। ओके ये 2021 से लेकर 22 का डेटा है। असेट्स के अंदर ग्रोथ है, ओके रेवेन्यूज में भी अच्छी से ग्रोथ है, 490 करोड़ से लेकर 902 करोड़ के आसपास का ना ग्रोथ है। प्रॉफिट टैक्स में जहाँ कंपनी लॉस में थी 2 करोड़ 21 में, वहां पे है ना 72 लैक्स ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, यानी कि देखा जाता है इस हिसाब से अच्छी है। और कंपनी का नेट बोरोविंग, अभी नेट बोरोविंग कितना है 468। ये थोड़ा सा एक ना पॉइंट है कि ना कंपनी के पास ना लोन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कैसा है कि पहले 425 करोड़ था, फिर 495 हुआ, फिर उसके बाद है ना फिर है ना थोड़ा सा लोन कम हो गया है, यानी कि है ना कंपनी अपना थोड़ा सा लोन पे करके वो अमाउंट को कर लेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 800 करोड़ मांग रही है जिसके अंदर 400 करोड़ तो ऐसे ही है। ओके फिर उनके पास था ना और देखा जाए तो इतना रेवेन्यू भी है कि वो लोग चाहे तो अपने एक साथ के रेवेन्यू में भी उस चीज को कवर कर सकते हैं। बाकी ना इसके अंदर अगर है ना ग्रोथ हुई है पेट में, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो डैम श्योर है कि भाई इसका लोन का कोई इशू नहीं है, इसके लिए आप ये IPO को अप्लाई कर सकते हो, मेरी ये राय है। तो अभी है ना अगला अभी देखा जाए तो अभी क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर अगर है ना मार्केट क्या अगर है ना यहाँ पर कुछ है ना शॉर्ट समरीज दी है, जिस हिसाब से कंपनी का पी वैल्यू 52 है, मार्केट कैपिटल 4,800, मतलब अभी एक है ना एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर ये इसे 4,000 से अगर क्रॉस होकर 5,000 पे जाती तब जाके कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज, लेकिन तब तक के लिए स्मॉल कैप है। एंड इसका ROIC 20% काफी अच्छा है और अर्निंग पर शेयर भी 13% काफी अच्छा है, तो आप है ना चाहिए तो है ना इस IPO को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ना हेल्थ में तो हरदम चलते ही रहेगा, बैंक ये कभी हॉस्पिटल्स बंद नहीं होते, बिकॉज रीजन ऑफ दैट लोग बीमार होने वाले हैं और लोगों का ये सारी चीजें चलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात अभी जो हम लोग देखते हैं, मैंने अभी फर्स्ट डे क्यों नहीं कहा आपको वीडियो, मैंने क्यों नहीं बनाया कि आप इसे देख सको। फर्स्ट डे वीडियो में देखो जो KIB वाले हैं वो उन्होंने 0.01 किया है, NIS वालों ने कितना सब्सक्रिप्शन किया है 1.49, रिटेल अपने जैसे पब्लिक 1.7, मतलब सब मिलाकर अभी तक टोटल 0.90%, मतलब 1% वन टाइम भी मतलब डबल भी नहीं हुआ है। तो ये देखा गया पूरा 6 तारीख का जो रिकॉर्ड है, कल जो पहला दिन गया वहां पे IPO को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अभी देखते हैं कि आज क्या रिस्पांस आता है, उस बेस के ऊपर आप है ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी जितने भी HNI SNI है वो सारे लोग है ना वो कल ही अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप अगर IPO का जो उनका रजिस्टर आ रहा है वो KFin Technologies, अगर आपको IPO लगेगा तो आप है ना इस साइट के ऊपर जाकर चाहो तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर आप देख सकते हो। एक ये यहाँ पर एक काफी अच्छी एक इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि कंपनी कौन है। अभी देखो थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हैं, कंपनी का शेयर प्राइसिंग कितना है 695 रुपीज। ओके अगर हम ना ये एक वेबसाइट है DS ट्रेडिंग टेक की, सिम मेरी वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ मैं, इसके अंदर ये जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का हम लोग है ना GMP निकाल लेते हैं। GMP यानी क्या के ना ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे कि ना मैंने अभी तक ना जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है कि 6 सितंबर तक अगर देखा जाए, ओके ये देखो ऑलरेडी अगर 6 सितंबर तक का ना मार्केट प्रीमियम कितना दे रही है कंपनी ने, यहाँ पर लिखा है जिस हिसाब से 215 रुपया। ओके यहाँ पर है ना IPO का प्राइस फिक्स है 695 का, अगर से 735 है उसके ऊपर 215 रुपया का मार्केट कैप मिल रहा है, यानी कि अगर उतना ज्यादा मिल रहा है 200 रुपया, यानी कि हम लोग 700 से लेकर 800 950 रुपये तक का अगर आसपास शेयर का प्राइस जा सकता है, यानी कि डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो आप है ना चाहो तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है तो यहाँ पर खरीद सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम बेस्ट है यानी कि डैम श्योर, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी फिक्स नहीं होता है, वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो आप इसके साथ देख सकते हो कि ना मार्केट प्रीमियम में कैसा हुआ था यहाँ पर ग्रोथ। देखो अगर है ना ऑलरेडी 3 सितंबर को 80 था, 180 हुआ, फिर वहां से लेकर 215 रुपया तक हो चुका है। ये इस तरह का है ना यहाँ पर है ना रेंज में भी काफी अच्छी रेंज बढ़ी रही है, तो यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ना यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली, सारी चीजें मैंने यहाँ पर दे दी हैं क्या क्या उसकी रेट्स है क्या है IPO के।